राइट्स शेयर्स और बोनस शेयर्स। सबसे पहले तो तुम कायदा समझो क्या बोलता है कायदा। सपोजिटली राइट्स शेयर्स में मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल लूंगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जियो जो इशू किया था उसके लिए 2,50,000 करोड़ रुपीज का उन्होंने कर्जा लिया था, लोन लिया। अब लोन लिया तो क्या आएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट डिप हो जाता है। यदि 2,50,000 करोड़ में 10% भी पकड़ो तो 25,000 करोड़ का ब्याज हो जाएगा ना। सस्ते में भी लिया तो भी 10 से 15 हजार करोड़ का इंटरेस्ट तो देना ही है। सो रिलायंस ने डिसाइड किया अभी हम ये कर्जा को जीरो कर देंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ शेयर्स फेसबुक को दिए, कुछ गूगल को दिए। अभी उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऐसा सोचो रिलायंस के 100 शेयर, सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला हम एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर ला रहे हैं तो क्या तुम खरीदोगे? 100 में से उन्होंने 50, मतलब 100 तो है ही, प्लस 50 उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया कि सस्ते में। नॉर्मली 1,000 रुपए का उस समय तो दाम मुझे लगता है कुछ 1,100 था, उन्होंने 1,000 में 100-150 रुपया सस्ते में इश्यू किया। तो राइट शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफर डालती है कि हम और शेयर्स बाजार में लाना चाहते हैं, बाजार में नहीं हम तुमको ऑफर कर रहे हैं, क्या तुम खरीदने के लिए तैयार हैं? और जिस सपोजिटली 100 शेयर है उसके हिसाब से तुम्हारे पास 100 है तो तुमको 500 अप्लाई करने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो 50 शेयर्स का ऑफर दिया और पब्लिक, और ये डिस्काउंटेड रेट में रहती है, ये जरूर खरीदने का। एक समय टाटा स्टील का दाम 600 रुपया था मार्केट प्राइस शेयर का, उन्होंने 325 रुपए में कुछ तो राइट्स इश्यू लाया था। राइट्स इश्यू में पब्लिक सस्ते में, पब्लिक मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स अप्लाई करती, जबकि बोनस शेयर्स में कंपनी डिविडेंड में के रूप में फुकट के शेयर्स देती है। समझ में आ रहा है सबसे बड़ा फर्क? राइट शेयर्स में तुमको पे करना है कुछ न कुछ रकम, ये तुमको फ्री में दिया जाता, सबसे बड़ा फर्क, करेक्ट। ये फुकट में दिया जाता है, यहां तुमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। पार्टली फुली पेड अप शेयर्स। नाउ राइट शेयर्स पार्टली पेड अप टिल द फुल अमाउंट ऑफ इज पेड अप, सब्सक्राइबर्स हैव टू पे फॉर द शेयर्स एट एप्लीकेशन मनी। मतलब इन शॉर्ट बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप चाहिए तो ही बोनस दिया जा सकता है। राइट शेयर्स पार्टली पेड अप भी चलता है, इनफैक्ट वो पार्टली पेड अप ही था जब रिलायंस ने इश्यू किया था। जहां तक मेरे को मेमोरी है रिलायंस ने पहले बोला कि हमको अभी सिर्फ 30 है, मतलब 30 या 40% मांगा, बाकी का 40-50% बोला कि 8 महीने बाद 10 महीने बाद दे। तो कंपनी ने उतना टाइम दिया शेयर होल्डर्स को। तो राइट शेयर पार्टली पेड अप भी मंगा सकते हैं, बोनस शेयर्स क्या होगा, फुल्ली पेड अप होगा ऑल द टाइम। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कायदा क्या है, जब शेयर्स बाजार में लाते हैं तो उसको आईपीओ बोलते हैं। अभी राइट्स शेयर जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का तो क्लॉज होगा ही ना, 90% नॉर्मली रहता है। वो नहीं मिला तो फिर राइट्स इश्यू कैसे करेगी? जबकि बोनस शेयर तो फुल्ली पेड अप है, फुकट का शेयर दे रही है, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज का तो सवाल ही नहीं उठता। राइट टू रिनाउंस, ये रिनाउंस का क्लॉज राइट शेयर में है। कंपनी ने, मेरे पास 100 शेयर है, कंपनी ने बोला 50 शेयर तुझे हम दे रहे हैं। मैं बोलता हूं मुझे नहीं खरीदना है, क्या मेरे फ्रेंड को ऑफर कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। राइट शेयर में ऑफर किया जाता है, इसको रिनाउंस बोलते हैं। रिनाउंस मतलब मैं छोड़ रहा हूँ शेयर्स में, किसी और को दे रहा हूँ खरीदने के लिए। बोनस शेयर्स रिनाउंस नहीं कर सकते, तुम्हारे नाम पे डीमैट अकाउंट में आएंगे, तुम किसी और को दे नहीं सकते। कंपनी डीमैट अकाउंट में तुम्हारा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तुम्हारा नाम मेंशन है तो तुम्हारे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, किसी और के डीमैट में जाएगा नहीं। तो बोनस शेयर में तुम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। राइट शेयर मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं किसी और को दे सकता हूँ, यस कोई प्रॉब्लम। पर्पस ऑफ इश्यू,
राइट्स इश्यू मैंने बोला था, रिलायंस को और पैसों की जरूरत थी ताकि वो कर्जा चुकता कर सके और अभी जो 5G का ऑप्शन चल रहा है उसके लिए पैसा जमा कर सके। दोनों शेयर जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स है तो कंपनी राइट्स इश्यू बोनस शेयर देती है रिजर्व में से निकाल के कैपिटल में डाल के। सो ये डिस्टिंग्विश था राइट्स और बोनस शेयर्स, इंटरेस्टिंग था ये जरूर कर लेना, तो ये क्वेश्चन हो जाता है।